आप क्यों आई है यहाँ पर? मैं अस्पताल गई थी, वहां पर नीति नहीं थी। इसका मतलब वो यहीं कहीं है, बुलाइए उसे। नीति नहीं है यहाँ पर। यहाँ नहीं है तो कहाँ है वो? पता नहीं। पता नहीं क्या मतलब है? ऐसे कहाँ जा सकती है वो? आप उसे बुलाइए, बहुत जरूरी गल करनी है उसके नाल। मैं बोल रही हूँ ना, वो यहाँ पर नहीं है। एक बार में आपको बात समझ में नहीं आ रही क्या? बात समझदारी की हो तो समझ में आती है। देखिए बहन जी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आप 2 मिनट के लिए उसे बुलाइए। मैं बोल रही हूँ ना, वो यहाँ पर नहीं है। झूठ बोल रही हैं आप। आपकी किसी भी बात पर मैंने भरोसा नहीं है। देखिए मैं चाहती हूँ कि नीति मेरे साथ कोर्ट आए और जज के सामने कहे कि परी निर्दोष है, उसे उसने मारने की कोशिश नहीं की है। ओ तो ये बात है, परी को बचाने के लिए अब आपको नीति की जरूरत है। बहन जी आप गलत पते पर आ गई हैं, क्योंकि नीति परी के बारे में सारी सच्चाई जान चुकी है और सब कुछ जानते हुए वो उसे बचाने के लिए कोर्ट कभी नहीं जाने वाली। परी को बचाने के लिए अब आपको नीति की जरूरत है। बहन जी आप गलत पते पर आ गई हैं, क्योंकि नीति परी के बारे में सारी सच्चाई जान चुकी है और सब कुछ जानते हुए वो उसे बचाने के लिए कोर्ट कभी नहीं जाने वाली। इसलिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से चली जाएं, वरना बात और बढ़ जाएगी। बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है सुखविंदर बहन जी। मैं तो आपसे और नीति से विनती करने आई थी, लेकिन आप अगर नीति की वजह से परी को कुछ हुआ ना तो नीति के लिए बहुत बुरा होगा। आपने सिर्फ परमिंदर का प्यार, उसकी अच्छाई देखी है, मेरा गुस्सा नहीं देखा है आपने। देखिए मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, नितिनु प्लीज बुलाइए ताकि वो कोर्ट में आके सब कुछ सच बता सके। सच? क्या है सच? आपके लिए सच वही है ना जो आप सुनना चाहती हो? आपकी ये जिद, आपकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि नीति कभी नहीं आएगी कोर्ट। ठीक है, एक माँ होकर अगर आप अपनी बेटी का बुरा चाहती हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन रब से दुआ कीजिए कि मेरी परी को सजा ना हो, क्योंकि अगर परी को सजा हुई और वो जेल गई ना तो मैं नीति को कभी खुश नहीं रहने दूंगी। मेरी बद्दुआ है, नीति की जिंदगी जेल से भी बदतर हो जाएगी। हाँ तो सत्येंद्र, कोर्ट को बताइए कि आपने क्या देखा था। जज साहब मैं जेसीबी पर काम कर रहा था, परी ने मुझे नीति पर स्लैब गिराने के लिए बोला था। झूठ है ये सब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मैं कभी ऐसा करूंगी। जज साहब ये झूठ बोल रहा है, ये हमारी कंपनी का नॉर्मल जेसीबी ऑपरेटर है और ये उस दिन वहां पे नहीं था। उस दिन इसकी जगह पे शंभू था और शंभू को नीति ने पैसे दिए थे परी के ऊपर स्लैब गिराने के। नीति भी थी वहां पे। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। नीति वहां थी ही नहीं। परी तुझे याद है ना, तू वहां पर खड़ी हुई थी और नीति का इंतजार कर रही थी। क्या बोल रहे हो बेबे? आपने मुझे कहा था ना कि नीति को मुझसे कुछ बात करनी है और आपने मुझे उस जगह इंतजार करने को कहा था जहाँ पे वो स्लैब गिरा था। कितना झूठ बोल रही है, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। जज साहब एकदम झूठ बोल रही है लड़की। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं, ये कोर्ट है, सब्जी मंडी नहीं है। सब लोग अपनी सीट पर चुपचाप बैठ जाइए। हाँ तो सत्येंद्र जी, आपके पास इस बात का कोई प्रूफ है कि परी आपके पास आई थी और उसने नीति को मारने के लिए कहा था? जी, कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लेना, अगर बातें झूठी निकली तो आपको भी सजा हो सकती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस्टर बंसल मेरे विटनेस को डरा धमका रहे हैं। नहीं सर, मैं विटनेस को डरा धमका नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ उसे झूठ बोलने की सजा बता रहा हूँ। जज साहब अगर नीति यहाँ पे होती ना तो परी के बारे में सब कुछ सच सच बता देती। मिस विद्या, नीति को कोर्ट में पेश किया जा सकता है? नहीं। आप फिर से आ गई। जज साहब मैं आपसे माफी मांगती हूँ और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कोर्ट की कार्रवाई में दखल नहीं दूंगी। आप प्लीज मुझे यहाँ बैठने की परमिशन दे दीजिए। और हाँ, नीति यहाँ नहीं आ सकती,
क्योंकि किसी को नहीं पता कि इस वक्त निधि कहाँ है। कहाँ है मतलब? कहाँ गई नीति? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना। कहाँ है वो? ऐसे कैसे जा सकती है वो? परी प्लीज, अब तो अपनी आंखें खोलो, रियलिटी को फेस करो। ये परी को नहीं तुझे खोलनी पड़ेगी संजू। आप लोग फिर से शुरू हो गए? फॉलो द कोड डेकोरम। आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। थैंक यू मिस विद्या, कैरी ऑन कीजिए। अब मैं अपने आखिरी गवाह मिस्टर मेहरा को बुलाना चाहूंगी। बुलाइए। मिस्टर मेहरा। योर ऑनर, परी ने नीति को मेंटल हाइपर गुस्सेल साबित करने के लिए कई चालें चली। उसमें से एक थी मिस्टर मेहरा की मैरिज एनिवर्सरी। वहां उसने नीति को उकसाया। परी ने नीति के दिमाग से खेला। परी बिल्कुल अच्छे से जानती थी कि संजू को गुस्सेल हाइपर लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए नीति को उकसाया और भरी पार्टी में उसे हाइपर और गुस्सेल साबित कर दिया। और मैं इस बात को भी प्रूव कर दूंगी। हाँ तो मिस्टर मेहरा, उस दिन पार्टी में क्या हुआ था? जी मेरी 25th एनिवर्सरी पार्टी थी। मैं गलत नहीं तो वो कपल्स पार्टी थी राइट? यस। उस पार्टी में परी ने हीर की और संजू ने रांझा की ड्रेस पहनी थी। जी। लेकिन उस टाइम तक तो नीति और संजू कपल्स थे और सिर्फ कपल्स को ही ऐसी ड्रेस पहननी थी। जी इसी बात पे नीति को परी के ऊपर बहुत गुस्सा आ गया और नीति को लग रहा था कि परी संजू को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है और संजू को नीति से छीनना चाहती है और इसी बात पे उसने पूरी पार्टी खराब कर दी। बस थैंक यू मिस्टर मेहरा, इतना ही पूछना था। मिस्टर मेहरा, क्या आपको कभी लगा कि परी जानबूझ के संजू और नीति के रिश्तों को तोड़ना चाहती थी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैं सारे फैक्ट्स के साथ सब कुछ प्रूफ कर रही हूँ। लेकिन मिस्टर बंसल है कि बेवजह सवाल पूछे जा रहे हैं और कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मिस्टर बंसल, सब कुछ तो प्रूव हो चुका है। बट मैं ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। ये केस अब आईने की तरह साफ हो चुका है। सारे गवाहों का बयान सुनकर ये कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि परी ने नीति को मारने की कोशिश की। इसलिए ये कोर्ट परी को रुक जाइए प्लीज। सॉरी मैं ऐसे पेशेंट गाउन में आ गई, पर मैं क्या करूं, मैं सीधा हॉस्पिटल से आ रही हूं। जैसे मुझे पता चला कि परी को मेरे अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट किया गया है, मैं पुलिस स्टेशन पहुंची कि वहां पता चला कि आप इसे कोर्ट में ले आए हैं। आई एम सॉरी मैं लेट हो गई आने में, वो दवाइयों का असर है, पर मेरा आना बहुत जरूरी था। ये परी है मेरी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों ना बचपन की सहेलियां हैं, तो जस्ट एक जान जैसी। हम दोनों एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं जज साहब, लेकिन एक दूसरे की जान कभी लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, सबके सामने सही सलामत जिंदा हूँ। परी को छोड़ दीजिए प्लीज, परी ने कुछ नहीं किया है, इसने कभी मुझे मारने की कोशिश नहीं की है।
ये बेकसूर है। लेकिन वो सबूत? वो झूठ है, सब कुछ झूठ है। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसके अगेंस्ट केस किसने फाइल किया है। पर जिसने भी ये केस फाइल किया है मेरे नाम से या मेरे बिहाफ पे, मैं ही केस वापस लेती हूँ। इसने कुछ नहीं किया है जज साहब, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। इसने कुछ नहीं किया, कभी मुझे मारने की कोशिश नहीं की है, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। ये बेगुनाह है, ये बेकसूर है, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। इसे सजा नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमने सुना, नीति ने अपना केस वापस ले लिया है। इन्होंने इस कोर्ट में एक्सेप्ट किया है कि परी ने इनको मारने की कोई कोशिश नहीं की, इसलिए ये कोर्ट परी को बाइज्जत इस केस से रिहा कर दिया।